एक रिएक्शन आपसे लेना चाहूंगा। प्रतीक जी थोड़ा समय देना पड़ेगा। देखिए क्या, अभी एक साथी ने कहा कि ये पांच शब्द हटा दीजिए। मैं ये कहता हूं कि एक मैं ऐसा शब्द आपको सबको देता हूं, बड़ा गौर से फरमाइएगा, वो शब्द है ग्राहक। देखिए पूरे वैश्विक परिस्थिति में जो है लगभग 400 करोड़ महिलाएं हैं, 400 करोड़ पुरुष हैं, ये सबसे बड़ी इकाई है। उसके बाद धर्म के आधार पर, उसके बाद काम के आधार पर, उसके बाद संप्रदाय के आधार पर तमाम चीजें हो सकती हैं, लेकिन जो एक चीज है जो हम सबको यूनाइट करके रख सकती है वो है ग्राहक। नवजात शिशु से लेकर अंतिम यात्रा में शामिल प्रत्येक व्यक्ति ग्राहक है। और अगर मैं बृहद परिधि में अगर इसकी व्याख्या करना चाहूं तो इनडायरेक्टली समूची प्रकृति ग्राहक है। हम जानवरों के लिए भी तो खरीदारी करते हैं। अब विषय आता है जो है फूड एडल्ट्रेशन का जो विषय आया, मैं जिस संगठन से जुड़ा हूं अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत, ग्राहकों के लिए देश में सबसे पहला कानून ग्राहक संरक्षण अधिनियम 1986 जो पार्लियामेंट के अंदर जो पास हुआ, उसमें राजीव गांधी वाज द प्राइम मिनिस्टर, 24 दिसंबर 1986 को जो पहला लॉ आया और संभवतः पहली तारीख है कानून के तौर पर जिसको हम सेलिब्रेट करते हैं राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के तौर पर। अब मैं आपको बाकी बताता हूं। पिछले दिनों जो है मैं, आपने घी में मिलावट की बात की, बड़ा इंटरेस्टिंग, सारी सरकारें, राज्य सरकार नहीं पूरी केंद्र सरकार भी, जो इंटरेस्टिंग फैक्ट रखता हूं मैं आपको, मैं गया फूड एफएसएसआई के चेयरमैन से मैंने इंटरेक्शन किया कि इसको लेके एक फैक्टर होता है, चूंकि मैं पीसीएम का विद्यार्थी हूं तो आरएम फैक्टर उसको बोलते हैं, रिसर्च मिसल वैल्यू जिसको बोलते हैं, वो पहले स्टैंडर्डाइज थी 28, अभी सरकारों ने या तमाम जो है जो तंत्र है उसने मिलकर क्या किया, उसको रिवाइज किया, 24 कर दिया। इसका मतलब क्या है कि आप आकर्षित कर रहे हैं कि घी में मिलावट करिए। अगर मान लीजिए उन समसामयिक परिस्थितियों में अगर वो चीजें थी तो आपने मतलब फॉर तत्कालिक या क्या ऐसा किया जो आपने उस स्टैंडर्डाइज वैल्यू को आपने जो 24 कर दिया। अब 20 जो उसका जो ब्रैकेट होता है स्टैंडर्ड जो है 28 से 33 के बीच में जो ये मानक होता है, ये ब्रैकेट होता है, आप 28 से भी नीचे लेके आ जाते हैं, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, कोई भी सरकार हो, मैं के नाम नहीं लूंगा जो आज मैं बात कर रहा हूं, जो है जीवन की बात कर रहा हूं, ग्राहक के नाते में बात कर रहा हूं। मैं एक लोग सवाल पूछते हैं कि इस देश में इतनी आबादी है, दूध इतना कहां से आ जाता है, घी इतना कैसे बन जाता है? मैंने आपको आरएम फैक्टर का आपको एक हवाला दिया ना, इस तरह से तमाम वो चीजें हैं। हाँ जी, आम आदमी पार्टी कुछ कहना चाह रही है? देखिए अलग बात है, आज देखिए घी की बात करते हैं, मैं गांव की उससे आता हूँ, 1500-1600 रुपए किलो घी मिलता है, लेकिन पूजा वाले घी के नाम से मांगेंगे तो 150-200 रुपए किलो घी मिल जाता है। ये देखिए ये हमारी नैतिकता है त्रिपाठी जी, ये नैतिकता है कि पूजा वाला जो घी है तो भगवान आपकी बात कहे सुने। खुद ना बिल्कुल बात सही कह रहा हूँ, दुरुस्त कह रहा हूँ, जो तुम तो खाओ 1500 रुपए वाला, अब भगवान से कहो कि तुम 150 रुपए वाला ले लो घी। ये हमारी नैतिकता है गुरुजी। मैं आया खड़े भैया दया जी, ये नैतिकता है कि 150 रुपए वाला पूजा वाला, सही कहा आपने पवन जी कि मैं दे रहा आप ही के पास आऊंगा, आप ही बोलेंगे। कानपुर में सर 50 रुपए किलो मिल जा रहा है। हाँ जी कानपुर में तो मैंने देखा, क्योंकि मैं कानपुर की तो बात ही नहीं करता। हाँ जी सर, उसको दुकान पर रखने के लिए अप्रूव कौन देता है? कौन क्यों अप्रूव करता है? 50 रुपए किलो घी अगर बिक रहा है तो अप्रूव कैसे हो रहा है, कैसे बिक रहा है? ये सवाल है और ये महत्वपूर्ण सवाल है। तो मैं पिछले दिनों जब चेयरमैन उनके नीचे, फिर उन्होंने जो है सब्जेक्टिव जो बॉडी थी उसके डायरेक्टर को मेरे को जो है वो किया, एड्रेस किया, मैंने जाके प्रपोजल दिया, वो अंडर कंसिडरेशन है। तो मैं सरप्राइज था, मैंने कहा आप जो है सेक्रेटरी किसी भी लेवल के लोग हों जो है, जो मेरा कंसर्न है क्या नाम जो पूरे जो पूरे मतलब नेशन वाइड लोगों को लेकर जो है, तो वो कमेटी जो है विचार कर रही है और संभवतः अगर वो इस पर फैसला लेते हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि उसको रिवाइज करेंगे तो कम से कम घी में मिलावट पे जो है वो लगाम लगे। सवाल सिर्फ घी का नहीं है, सवाल ये है कि सारी चीजों की जो मिलावट है उस पर कहीं ना कहीं प्रतिबंध होना चाहिए। जी और कड़ा प्रतिरोध। देखिए इन्होंने घी के बारे में कहा, उसी प्रकार से केंद्र सरकार ने सरसों तेल में भी 20% जो है कि अन्य चीजों को मिलाने की अनुमति दे दी है। तो अब ये जो इस और ये मैं आप जब ये कहा करिए, क्योंकि आप पत्रकार हैं बिल्कुल, तो ये तथ्य पूरे बताया करिए, कब से शुरू हुआ ये भी बताइए, पाम ऑयल कब से मिल रहा है और कब से कौन कौन चीजें परमिसेबल हैं, ये जरूर बताया करिए। ना शब्द केंद्र सरकार ने जो, अरे मैंने किसी सरकार का नाम नहीं लिया जो, मैं तमाम अच्छी चीजों की जो, अरे उत्तर प्रदेश सरकार का एक विधेयक लाना, रुको नहीं मैं दे दो अभी भी, चलिए ये तमाम लोग बातें कर रहे हैं ना, देश में एक सरकार के द्वारा अगर ये विधेयक लाया जा रहा है कि फूड एडल्ट्रेशन के खिलाफ अगर इस तरह का कानून, तो बाकी के लोग आगे आएंगे क्या? जो आने को तैयार हैं आप? तमाम राज्य सरकार तैयार है। देखिए बिल्कुल पार्टी लाइन से हट के बात करिएगा। पार्टी लाइन से हट के बात कर रहा हूँ। क्या खाद्य में अपमिश्रण कोई राज्य विशेष की समस्या है या राष्ट्रीय समस्या है? क्या उत्तर प्रदेश के दायरे में हो रहा है और बाकी अन्य जगह नहीं हो रहा है? ये एक राष्ट्रीय समस्या है। तो ऐसे स्थिति में अगर इससे संबंधित कानून अगर केंद्र सरकार लेके आए
तुम प्रथम दृष्टया में कानून पूरे अवेलेबल है। 86 में कानून बना, राजीव गांधी ने बनाया। मैं कह रहा हूँ कि कानून तो खाद्य अपमिश्रण के संबंधित कानून 1954 में आ चुके हैं सर। बड़ी समस्या क्या है इस देश में, जो एक दर्शक के एक हमारे यहाँ पे जो सामने में दर्शक बंधु, उन्होंने बड़ी गंभीर समस्या की तरफ कहा, कानूनों की भारत में कोई कमी नहीं होती, उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो, जैसे इन्होंने भी कहा, उनके पास से भी सहमत हूँ। इंस्पेक्टर राज है यहाँ पे बना हुआ, इंस्पेक्टर आते हैं रिश्वत लेके चले जाते हैं, तो आप कितना भी कानून को कठोर कर लीजिए, हम लोगों ने निर्भया प्रकरण में देखा, क्या 2013 में कानून कठोर नहीं हुए? राइट, टेक योर पॉइंट, टेक योर पॉइंट। देखिए बिल्कुल मैं सहमत हूँ, देखिए पार्टी की बात नहीं है, आज देश में कस्टमर्स के लिए भी बहुत सारे कानून है जैसे उन्होंने बताया, और फूड सेफ्टी के लिए बहुत सारे कानून हैं, लेकिन समस्या क्या आती है, सारे के सारे आइटम पास हो जाते हैं। देखिए सेल्स आफ्टर सर्विस, अगर आपने कोई फ्रिज खरीद लिया उसमें कोई खराबी निकल आई तो ग्राहक चक्कर काटता रहेगा, कस्टमर सर्विस में फोन करता रहेगा, समस्या का समाधान नहीं होता। समस्या इस बात के कानून पहले भी थे, कानून आज भी और आगे भी रहेंगे, उसका इम्प्लीमेंटेशन किस आधार पर होता है, उसके बाद सजा कैसे मिलती है, उस पर हमको बात करने की जरूरत है, किसी एक राज्य सरकार की बात नहीं है। पवन जी, इतनी सफाई से बोलने की कला पता नहीं इन लोगों को कैसे आ गई, आम पार्टी वाले लोगों को। सर एक बात कहते हैं कि सिर्फ एक दिन ये फ्रिस्टी करेंगे, एक दिन ये जनता का शो है, जनता के बीच में हमेशा आप रहे हैं और बरसों तक रहे हैं सर, एक बार एक दिन घोषणा कर दीजिए कि इस दिल्ली में जो राशन बढ़ता है सिर्फ उस राशन वाले लोग, इसमें बहुत सारे लोग खड़े हैं, एक एक मुट्ठी चावल और एक एक मुट्ठी गेहूं लेके आ जाएं, सैकड़ों लोग आएगा सर, अगर उसमें से एक आदमी अगर दिखा दे कि ये मानव को खाने वाला गेहूं और चावल है तो आप जो सजा दीजिए। पहले सरकार में सुधार होनी चाहिए, केवल जिस जगह कह रहे हैं, जिस जगह सुधार की बात आप कर रहे हैं वह सुधार तो होनी चाहिए, सरकार पहले सुधर जाए उसके बाद कानून बने। राइट, बैठिए बैठिए सर जी, वो जो जानवर भी नहीं खा सकता। मैं समझ गया, बस दया जी ने अनुभव के साथ कहा। बैठिए बैठिए सर, सारे लोग बैठिए। बातचीत का सिलसिला मैं शुरू कर रहा था लेकिन जो लोग आज आए थे मैं उनसे बात नहीं कर पाया। बैठिए प्लीज सिट डाउन। ये मुद्दा ऐसा है कि चलता रहेगा, बातचीत होती रहेगी, और ये ऐसा है कि जो लगातार पूछा जाना चाहिए सवाल रोज लगातार हर बार पूछा जाना चाहिए। आज तो वैसे पूर्णमासी है ना जी? हाँ, मैं देख रहा था चंद्रमा बिल्कुल सामने दिखाई पड़ रहा था जी। आईटी असिस्टेंट पोस्ट इन स्कूल लास्ट 20 ईयर्स, क्या हो गया जी?